लीजिए भैया। भैया एक प्लेट मेरी भी लगाना 30 वाली। मैडम माफ करना, अब नहीं है, खत्म हो गई। खत्म हो गई? क्या मजाक कर रहे हो भैया, साफ साफ दिख रहा है उसके अंदर इतनी सारी बिरयानी है, कम से कम 12 देना प्लेट होगी, और मैं तो वैसे भी एक ही प्लेट मांग रही हूँ आपसे। हाँ मैडम वो बची है, पर वो बेचने के लिए नहीं है। सॉरी मैडम। बेचने नहीं है भैया, सुबह सुबह दुकान अपना सामान बेचने के लिए लगाते हो ना। अरे मैडम मैंने कहा ना कि मुझे नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी है। बड़े अजीब इंसान हो यार, ये दुकान क्यों खोली है? सामान बेचने के लिए ना, तो फिर बेचो ना। और मैं कौन सा तुमसे फ्री में ले रही हूँ सामान, पैसे तो दूंगी ना तुम्हें मैं, तो दिक्कत क्या है तुम्हें देने में? अरे मैडम मैंने कहा ना आपको, मुझे नहीं बेचनी है, वो नहीं देनी मुझे अब, ठीक है? ऐसा दुकानदार ना मैंने पहली बार देखा है, जिसके पास सामान है लेकिन फिर भी अपने ग्राहक को मना कर रहा है। काम बंद हो जाएगा ऐसे तुम्हारा। और रही बात तुम्हारी इस दुकान की, तो मैं तो यहाँ पर दोबारा आऊंगी नहीं, तुम खुद ही खाओ बैठकर अपनी बिरयानी। अरे मैडम, भैया मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपके पास इतनी बिरयानी थी तो आपने मैडम को ऐसा मना क्यों किया? आज तक तो आपने ऐसे किसी के साथ नहीं किया। अब भैया समझाया मैंने मैडम को कि जो बची बिरयानी मुझे बेचनी ही नहीं है, समझी नहीं वो और गुस्सा भी हो गई। तो दे ही देते उन मैडम को, किसी ने पहले खरीद रखी थी क्या? नहीं नहीं भैया, किसी ने खरीदी नहीं है, लगता है मैं दुकान पे इस टाइम पहली बार आई हूँ। आप सुबह आते हो ना? हाँ मैं आता तो सुबह ही था। हाँ तभी आपको नहीं पता। तो बात ये है ना भैया कि जब ने मेरी बिरयानी ख़त्म होने वाली होती है तो मैं सब कुछ हिस्सा बचा लेता हूँ, उसे कहीं बेचता नहीं हूँ, और वो हिस्सा मैं कुछ जगह पर बांट देता हूँ, जैसे कि बत्ती पे जो लोग भीख मांगते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, जो लाचार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं ना, उनमें उनको मैं बांट देता हूँ। अच्छा तो ये बात है जी भैया, और ये काम मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, ये काम मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैंने ये दुकान खोली है। मेरा हर रोज़ का फिक्स है कि जो मेरी बिरयानी उसका कुछ हिस्सा मैं उन लोगों को बांटता हूँ। अब मैडम जी गलत टाइम पे आ गए तो उन्हें मैं क्या बोलता? अब कुछ पैसों के लिए उन्हें मैं जो बिरयानी दे देता तो फिर वो जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें मैं क्या बोलता? वो तो बेचारे भूखे रहते हैं ना, तो इसीलिए मैंने उनको मना कर दिया। भैया आपको मानना पड़ेगा, मतलब मैंने पहली बार ऐसा कोई इंसान देखा है जो खुद से पहले किसी और के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको इससे नुकसान हो रहा है, बट फिर भी आप किसी और का पेट भरना चाह रहे हो। तो सलाम है भैया आपको और आपकी इस नेक सोच को, जो आप लोगों के बारे में इतना सोच रहे हो। अब नुकसान का भैया क्या है कि थोड़े से नुकसान के लिए किसी का पेट भर रहा है तो भरने दो, बाकी ऊपर वाला है वो देख रहा है, मैं अच्छा करूँगा तो मुझे भी वो अच्छा ही देगा ना। अब बाकी बिरयानी खाओ, मैं ये सब सामान पैक करता हूँ। जी भैया। दान करना ही है तो गरीबों को दान किया जाए, ताकि सबका पेट भर सके और कोई भूखा ना सोए। आखिर कब तक मंदिर और मस्जिद को अमीर बनाते रहोगे? इंसान इंसान का सहारा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? और आपके गरीबों को दान करने से ना आप गरीब बनोगे ना सामने वाला अमीर।